हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वॉशिंग मशीन स्पेशल एपिसोड। तो इसमें मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेकर, क्योंकि मैंने 3 साल इस वॉशिंग मशीन को यूज़ किया है। तो आज आपको दूंगी इसका फुल और डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले मैं इस वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम के बारे में बता देती हूँ, जो कि शायद कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ। इस वॉशिंग मशीन के साथ ये जो पाइप है हमारा, ये बहुत छोटा मिलता है और इस पाइप के बिना हमारा वॉशिंग मशीन चलेगा नहीं। फ्लैटों में हम रहते हैं तो हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है, इस कारण हमें एडजस्ट करना पड़ता है सारे सामानों को। जैसे ये मेरी बालकनी है, यहाँ हमारा पाइप, यहाँ नल है हमारा। तो ये देखिए, ये पाइप बिल्कुल यहाँ तक आता था, जिसका ओरिजिनल ये पाइप दिया हुआ था बस यहाँ तक आता था। और यहाँ हमारा स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पर आके लग जाता था हमारी मशीन। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ से जब हम गेट खोलते थे तो सीधे टक्कर खाता था वॉशिंग मशीन में। उधर स्पेस काफ़ी था हमारे पास, बट ये वाला स्पेस हमें यूज़ भी करना था और दिक्कत भी हो रही थी। तो करीब 6 महीने हमने ऐसे ही काटा। उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला कि ये जो पाइप है, ये जो पीछे का पाइप आ रहा है, वो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पाइप लेकर इसे ज्वाइंट करवा दिया। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पाइप लिया मैंने और यहाँ से जॉइंट करवा दिया। कुछ इस तरीके से उन्होंने इस पाइप को जोड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्लिप भी आपको दिखा दी जाए। तो ये हार्डवेयर की शॉप में आपको इस तरीके का पाइप मिल जाएगा, सेम पाइप। और इन्होंने इस तरीके से एक जॉइंटर बीच में लगाकर और दोनों पाइप को जॉइंट कर दिया। और इस पाइप में थोड़ा सा गैप रह गया था, तो इस गैप को मिटाने के लिए उन्होंने ही कहा था कि थोड़ा सा गर्म पानी में डालकर इसे और उसके बाद जॉइंट कर दीजिएगा। तो ये अच्छे से फिक्स हो गया था। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से इसे दो पाइप को जॉइंट करने के बाद इसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये वाला हैक जो है वो सक्सेसफुल रहा। और हाँ, इसका एक सोल्यूशन और है कि इतना लंबा पाइप भी आपको मिल जाता है मार्केट में, बट मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ओरिजिनल पाइप था इस मशीन का, इस कारण मैंने ये वाला पाइप साथ में रखना उचित समझा। और इस मशीन के मेंटेनेंस की बात करें तो इसे हर 30 वॉश के बाद आपको एक बार साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है अच्छे से। इसके लिए एक पाउडर वगैरह भी आता है, वो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो इसमें डालकर और इसे सफाई की जाती है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि उसकी सफाई आप मैनुअली कर सकते हैं, जिसे करना भी चाहिए। अभी फ़िलहाल 30 वॉश हो चुके हैं हमारे मशीन के, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बना लिया जाए, उसके बाद इसे आपके साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरीके से साफ़ होगा। ये देखिए, ये इसका फिल्टर है, इसे इस तरीके से पुश करना है और बाहर की तरफ निकालना है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ निकल गया और इसे इस तरीके से खोलेंगे तो ये देखिए, इसके अंदर ये कचरा है ना। इसे ही हमें ब्रश से अच्छे से क्लीन कर देना है। कई बार ये काफ़ी ज़्यादा जम जाता है, तो उसे भी अच्छे से साफ़ करना होता है। ये धागे वागे होते हैं हमारे कपड़ों के, जिसे हमें क्लीन कर लेना होता है। तो ये देखिए, ये गंदगी है इसमें, इसे इस तरीके से ब्रश की सहायता से हम निकालेंगे। और हाँ, जो भी काम करें मशीन का तो पहले पावर प्लग निकाल लें। उसे लगाने से पहले एक बार इस एरिया को भी हम साफ कर लेंगे कपड़े से। ये आप गंदा देख सकते हैं। अब हम इसे इसके जगह पर फिट कर देंगे। ये टक से आवाज़ करेगा और ये यहाँ फिट हो जाएगा। और दूसरा क्लीनिंग आपको हमेशा मैन्युअली इस पार्ट को करना है, ये हमारा बैक पार्ट है जहाँ से पानी हमारा अंदर जाता है। तो चलिए इसको पहले हम क्लीन करके दिखाते हैं। उस पाइप को क्लीन करने से पहले हम नल को बंद कर देंगे।
अब हम यहाँ से इसे खोलेंगे और फिर दिखाते हैं कि कितना गंदा अंदर है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये इसका फिल्टर है। पानी के साथ जो भी गंदगी आती है, ये फिल्टर उसे रोकता है। तो ये अक्सर जाम हो जाता है, जिस कारण हमारी मशीन चलने में दिक्कत होती है, बंद हो जाता है, एरर दिखाता है। इसे निकालने के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बस इसे हल्का सा पुल करना होता है। फिलहाल मेरे पास सीजर था, तो हमने इसको इसमें इस तरीके से फंसाया और ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए, ये आप इसकी गंदगी देख सकते हैं। ये गंदगी फंसने के कारण ही पानी अच्छे से अंदर नहीं जाता है और फिर हमारा मशीन एरर वगैरह दिखाने लगता है। तो सबसे पहले हमें इसे क्लीन करना होता है, ये सारे रेत वगैरह हैं जो भी पानी के साथ आ जाते हैं। तो चलिए पहले इसे हम क्लीन कर लेते हैं। इसे क्लीन करने के लिए भी सिंपली ऐसे पानी के साथ इसे धो लेना होता है। ये देखिए, ये हमारा साफ हो गया, बट इसे हम एक बार ब्रश से भी साफ कर लेंगे। इसे हम ब्रश से अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि हमारी सारी जाली इसकी खुल जाए। अब देखिए, पहले वाले और अब वाले में आप फर्क देख सकते हैं। इसकी सारी जाली खुल चुकी है, अब हम इसे वहां फिट कर देंगे। बट फिट करने से पहले इस वाले पार्ट को भी हम देख लेंगे जहाँ ये लगा हुआ था। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ भी जमी हुई है। इसे हम इस तरीके के ब्रश से साफ करेंगे ताकि अंदर तक पूरी जाली क्लीन हो जाए। अब हम इस फिल्टर को यहाँ पर लगा देंगे और बस इसे कुछ नहीं करना होता, बस हल्के से यहाँ पर डालना है और पुश कर देना है अंदर की तरफ, और ऊपर से ये पानी का पाइप हम लगा देंगे जो कि इसका इनलेट पाइप है। अब हम करेंगे इसके टब की क्लीनिंग। तो टब की क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके का पाउडर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट अगर आपके पास ये नहीं है या नहीं मिल पा रहा है आपके पास, तो भी आप नॉर्मल सर्फ से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सर्फ ही है, थोड़ा हार्ड सर्फ होता है ये, और इस तरीके का ये पैकेट में बना हुआ है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसे सीधे आप टब में ही डाल दें। तो ये देखिए, ये मैंने 3 पैकेट लिया है, इसे मैंने डायरेक्ट डाल दिया है इसके टब में, और नॉर्मली इसे हम पावर बटन और स्टार्ट बटन करके ऑन कर देंगे मशीन को। ये पूरा टब अच्छे से अंदर तक क्लीन हो जाएगा इस पाउडर से। पीछे का फिल्टर साफ होने के कारण ये देखिए पानी का फ्लो आप देख सकते हैं, इतना तेज पानी आ रहा है। अब क्लीनिंग के बाद का ये देख सकते हैं आप, ये क्लीन हो चुका है। इस तरीके से साफ करने से इसके जितने भी पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और अंदर से ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसे क्लीन करने के बाद आप नॉर्मली जैसे कपड़े को वॉश करते हैं, उस तरीके से आप अपने कपड़े को वॉश कर सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वैसे तो आपके कपड़े के काम को बहुत हद तक बहुत कम समय में निपटा देती है और अच्छे से क्लीन करती है, बट इसके कुछ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे कि इसमें आप पाउडर वाला सर्फ यूज़ ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार वो पाउडर रह जाते हैं कपड़े में। तो इसमें अधिकतर आप लिक्विड सर्फ का यूज़ करें, और ऐसा नहीं है कि सर्फ बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, अपने कपड़े के हिसाब से आपका वो सर्फ यूज़ होगा। और हाँ, इसके डिमेरिट्स में ये भी बड़ी बात है कि आप ऑटोमेटिक मशीन में जो सेमी ऑटोमेटिक होता है उसमें आप सर्फ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आप सर्फ को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार में ही ये क्लीन हो जाता है और वो पूरा सर्फ निकल जाता है। दूसरी बात कि इसे आप खारे पानी में ज़्यादा दिन तक ये टिकता नहीं है, ये मशीन हमेशा कुछ ना कुछ खराबी लगी रहती है। तो जहाँ तक हो सके आप इसे नॉर्मल पानी मतलब मीठे पानी में यूज़ करें, इस मशीन को, इसकी लाइफ अच्छी रहेगी। और समय समय पर इसकी होम सर्विसिंग ज़रूर करें। और अब करते हैं इसकी मेरिट्स की बात। तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की मेरिट, बहुत बड़ी मेरिट है कि ये आपके समय को बचाती है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कपड़ा धोने के लिए आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, बस एक बार कपड़ा डाला और धुल के वो स्पिन होके ड्राई होके वो निकल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी आपके अगर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट
डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।